तो गाइस Redmi 2C हमने परचेज कर लिए हैं एंड इस वीडियो में हम इनका अनबॉक्सिंग के साथ साथ इनका रिव्यू, जिसमें इनकी बेस, इनकी बैटरी लाइफ, चार्जिंग टाइम के साथ साथ इनका माइक्रोफोन टेस्ट भी करेंगे। तो इस वीडियो में आप अंटिल एंड जरूर बने रहिए। एंड अगर आप एक ईयरफोन सर्च कर रहे हैं, ब्लूटूथ में सर्च कर रहे हैं अंडर 1000 रुपीज, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कंप्लीट रिव्यू होने वाला है Redmi 2C का, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि कौन से ईयरबड आपको अंडर 1000 रुपीज़ परचेज करने चाहिए। तो मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जी एस टेक। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट कर लेते हैं अनबॉक्सिंग Redmi के बर्ड्स 2 की। तो गाइज सेल में हमने ये परचेज किए हैं आपके 850 रुपीज़ में, 850 रुपये में हमने Redmi के ईयरबड परचेज किए थे। ओके, तो यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इन ईयरबड्स की। ओके, तो अलग अलग पोर्शन अंदर डिवाइड किया हुआ है, सभी कुछ अलग एक साइड नहीं है। एक पोर्शन में आपके ईयरबड्स थे, दूसरे में आपकी बुकलेट वगैरह थी, आप अंदर देख सकते हैं। तो ओके, सब कुछ हमने यहाँ पे निकाल लिया है। एंड अगर हम यहाँ पे इसको भी निकाल दें, रिमूव कर दें, तो यहाँ पे आप हमारे निकल के आते हैं Redmi के बर्ड्स 2C, ईयरबड्स 2C बेसिकली। ओके, एंड बोलेंगे क्यों परचेज किए गाइस, तो बस काफ़ी दिन से वीडियो नहीं मिल रही थी अनबॉक्सिंग की, तो हमने अनबॉक्स करने के लिए परचेज किए हैं। लेटर ऑन अगर आपको कुछ दिक्कत भी आ रही होगी ना इनसे, लाइक आपके कनेक्ट नहीं हो रहे, चार्ज नहीं हो रहे वगैरह वगैरह, तो वो भी डिस्कस हम कर लेंगे। तो पहली चीज़ आपको ये रिमूव करना होता है इसका प्लास्टिक थिंग। अगर वो रिमूव नहीं करेंगे आप अपना ईयरबड को चेक नहीं कर पाएंगे कि क्या कंडीशन है, या चार्ज हो रहे हैं चार्ज नहीं हो रहे, एंड इसमें आपको पहले ही प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ओके, तो चार्ज होने लगेंगे देन आपको रेड लाइट यहाँ पे इंडिकेट शो करती है। ओके, तो होपफुली ये आपके अभी पेयर हो जाएंगे। मैं काम करता हूँ, मैं अपने स्मार्टफोन में जाके यहाँ पे एक बार इनको देख लेता हूँ एंड चेक कर लेता हूँ कि ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, वर्व नियो का ऑप्शन आ रहा है, देन इसको बाहर निकालता हूँ, दोबारा से स्कैन करते हैं। Redmi 2C एंड आपकी पेयरिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो गाइज 80% बैटरी यहाँ पे हमें मिली है इन ईयरबड्स में। ओके, तो बात करें गाइज लुक, डिज़ाइन एंड कंफर्टेबिलिटी की, कि कितने बैट आपको दिखते हैं। तो गाइज मैं बोलूँगा बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, पसंद आई इस प्राइस रेंज में 850 रुपये में। ओके, एंड जो काफ़ी ईयरबड्स में मैंने प्रॉब्लम देखी ये Redmi में नहीं है। आपका ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये काफ़ी में ऐसा लगता है कि टूट जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। एंड जो क्लोजिंग है वो भी काफ़ी सही है। ओके, चार्जिंग के लिए आपको एक यहाँ पे जो है कौन सा USB टू माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, नीचे डिटेल्स दी हुई है। एंड आगे की तरफ सेंसर वगैरह नहीं अवेलेबल, सिर्फ आपको ईयरबड्स पे सेंसर मिल जाते हैं। ओके, अंदर की तरफ भी कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ईयरबड्स देखने को मिलते हैं, कोई भी बटन, कोई भी अदर सेंसर नहीं है ईयरबड्स के अलावा। ओके, इनके शेप साइज़ की बात करें तो ये काइंड ऑफ इन ईयर फिटिंग के साथ आते हैं, एंड डिज़ाइन भी एक नॉर्मल ईयरबड्स जैसा ही है, एंड कम्प्लीटली आपके ईयर में घुस जाएंगे, लाइक इस टाइप से पोजिशन रहेगी। एंड जो ये पूरा एरिया है ये टच वाला आपका एरिया है। ओके, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं एंड कनेक्ट कर ले इसको, म्यूज़िक वगैरह प्ले कर लेते हैं। तो गाइज म्यूज़िक वगैरह प्ले करने से पहले मैं सोच रहा था आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं एंड जो इन ईयर डिज़ाइन है इनका वो आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। तो अगर आप देख पा रहे हैं इन ईयर फिटिंग काफ़ी सही है एंड इन ईयर फिटिंग में कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगी Redmi के 2C से। ओके, वो चीज़ परफेक्टली फाइन है। एंड आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिलते हैं, मुझे केबल तो नहीं मिली चार्जिंग की। ओके, बट हाँ आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स जरूर मिलते हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट गाइज एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की एंड चेक भी किया, यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन मिलती है, जो कि बड़ा ही स्मूथली एंड बड़ा ही प्यार से वर्क करती है। अभी मैंने इनको एयर में पुट किया, कोई भी म्यूज़िक वगैरह नहीं प्ले है एंड जो इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन है वो ऑलरेडी वर्क कर रही है एंड काफ़ी फाइन। मैंने 2000 रुपये के और या उससे ज़्यादा वैल्यू के भी एवर्ड्स रिव्यू किए हैं, अनबॉक्स किए हैं,
बट इनकी जो क्वालिटी है वो मुझे अबो देन दैट लगी, एंड काफ़ी अच्छी चीज़ है वो। आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना, अगर आपका बजट लो है एंड आपको वायरलेस ईयरबड चाहिए तो आप रेडमी 2C के लिए जा सकते हैं, कोई भी पेड रिव्यू नहीं है। ओके, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिए। म्यूज़िक क्वालिटी की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं म्यूज़िक क्वालिटी कितनी अच्छी है, बेस क्या है, इसके साउंड लेवल क्या है, एंड आपको जो है ओवरऑल कितनी बेटर म्यूज़िक क्वालिटी मिल जाती है, तो वो चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है, सुन एज म्यूज़िक स्टार्ट हुआ जो एक्चुअल म्यूज़िक की क्वालिटी है ना वो थोड़ी लो है। ओके, बेस ठीक ठाक मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है, एंड अगर प्राइस 850 कंसिडर करें देन गुड बेस आपको मिल जाता है रेडमी 2C से। ओके, तो वो चीज़ एक एडवांटेज है, बट अगर आपको मेन म्यूज़िक की जो एक्चुअल वॉल्यूम है वही नहीं आएगी देन थोड़ा वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मे बी इसलिए क्योंकि मैं अभी थोड़े प्रीमियम काइंड ऑफ हेडफोन्स ईयरफोन्स यूज़ कर रहा हूँ, उस वजह से मुझे थोड़ा वो चीज़ यहाँ पे लैक लगी, कम लगी, बट स्टिल कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट ये काफ़ी अच्छी बात है एंड काफ़ी अच्छी डील यहाँ पे रेडमी की ओर से है। ओके, बात करिए अगर यहाँ पे कितने मार्क्स मैं दूंगा इनको एज साउंड लेवल, तो अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया आपको इतना साउंड नहीं आ रहा था, साउंड थोड़ा कम आ रहा होगा। ओके, हाँ एक पॉइंट एडिशनल अगर होता देन परफेक्ट मैं बोलता, बट अभी गुड की कंडीशन में आएंगे, नॉट दैट बैड, बट हाँ गुड साउंड लेवल यहाँ पे आ जाते हैं। मैं इनको 8 मार्क्स यहाँ पे दे रहा हूँ वॉल्यूम लेवल पे। बेस की अगर मैं बात करूँ, बेस में कितने मार्क्स में यहाँ पे इनको दूंगा, तो गाइज मैं इनको जो है 8.5 मार्क्स दे रहा हूँ, क्योंकि वो भी उतना अच्छा नहीं है। ओके, बट हाँ कंसिडरिंग प्राइस पॉइंट, अगेन प्राइस पॉइंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं देन आप इसको 1500 या 2000 रुपए के एयरबड से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूज डिफरेंस है, दो लाइक नियरली डबल डिफरेंस है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें बेटर मिलती है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के जो कि इनका बैटरी बैकअप है गाइज। तो बैटरी बैकअप ओवरऑल 12 आवर है इंक्लूडिंग केस गाइस, केस के साथ आपको टोटल 12 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, तो एक बार में आप 3 घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो वो लॉन्ग टर्म जो यूज़र्स हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि अगर आपको लाइक कंटिन्यू 3-4 आवर्स यूज़ करना है देन आपको एक एक ईयरबड यूज़ करने होंगे, दोनों में तो आपका बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। ओके, तो ये चीज़ थी गाइज। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इनकी कॉल क्वालिटी की या अदर फीचर्स की, तो अदर फीचर्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी मिलती है एंड आपको वाटर रेजिस्टेंट नहीं मिलता, वाटर प्रूफ नहीं मिलता, डस्ट प्रूफ नहीं मिलता, वो स्प्लैश रेजिस्टेंट है। स्प्लैश मतलब थोड़ा पानी आया ना वही हैंडल कर सकता है, उससे अलावा कुछ भी हैंडल नहीं कर पाएगा, खराब हो जाएगा ना, आपको दोबारा से पैसे वगैरह लगाने पड़ेंगे ईयरबड्स को परचेज करने के लिए। ओके, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ जिम वगैरह में स्वेट वगैरह में चल जाएगा, इतना दिक्कत नहीं होगा, बट अगेन हैवी स्वेट है देन मैं रिकमेंड करूँगा मत यूज़ कीजिए इनको, क्योंकि ईयरबड्स खराब हो सकते हैं। ओके, कंफर्टेबल काफ़ी अच्छे हैं, आप जॉगिंग वगैरह में, आप प्ले गेम जो खेल रहे स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हैं उसमें इनको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट थिंग की गाइज, तो नेक्स्ट जो पार्ट है हम इसमें माइक्रोफोन यहाँ पे टेस्ट करते हैं, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, मुझे स्लाइटली डिले लगा नॉर्मल जो मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा था, बी इट सर्चिंग समथिंग, मैं कुछ सर्च कर रहा था या कुछ प्ले कर रहा था, तो स्लाइटली डिले बोलूँगा मैं, वो मुझे लगा यहाँ पे कि इवन आपको जो म्यूज़िक साउंड है वो थोड़ा स्लाइटली डिले यहाँ पे आ रहा है, स्लाइटली ज़्यादा नहीं है। ओके, इग्नोरेबल है।
बात करते हैं माइक्रोफोन क्वालिटी के, किस टाइप के माइक्रोफोन आपको मिल जाते हैं आपके रेडमी के 2C से, देन बात कर लेते हैं। तो गाइस माइक्रोफोन टेस्ट यहां पे हो चुका है, माइक्रोफोन की क्वालिटी जो है काफी इंप्रेसिव है एंड आपको अबो एवरेज माइक्रोफोन यहां पे मिल जाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है एंड आपको वो चीज़ काफ़ी पसंद आएगी अगर आप एक अंडर 1000 रुपीज़ हेडफोन ईयरफोन या ब्लूटूथ डिवाइस परचेज कर रहे हैं जिसकी माइक्रोफोन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो कूलिंग वगैरह में आपको काफ़ी पसंद आएगी। बात करें टच सेंसर वगैरह की, टच सेंसर कैसे हैं क्या है, तो एक्चुअली टच सेंसर नहीं है, ये क्लिकेबल बटन्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं एंड वो भी काफ़ी परफेक्टली वर्क करते हैं। आप अपना जो वॉइस असिस्टेंट वगैरह वो भी इससे अवेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, तो गाइज ओवरऑल एक अच्छे टीरियर से यहाँ पे निकल के आते हैं, एक चीज़ को छोड़ के जो कि बैटरी लाइफ है, बट एज अगेन प्राइस पॉइंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है, देन अगेन आपको वो चीज़ थोड़ा कंपनसेट करनी पड़ेगी, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही एंड अगर आप ये फ़ोन परचेज करेंगे सेल पे देन डेफिनेटली आप परचेज कीजिए क्योंकि 850 रुपये में आपको मिल जाते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो आप वो यूज़ करना मत भूलिए। ओके, तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड सीएसएन एंड जो नेक्स्ट वीडियो है उनको भी आप देख सकते हैं। बाय बाय गाइज़।